तो मैं उनको बहुत मिली नहीं हूँ, अब तक 8-10 बार मिली हूँ, और वो बात ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। और एक मरतबा बहुत साल पहले वो आए थे सांगली, मेरे पिताजी के नाम से कोई एक बिल्डिंग को नाम देना था, तो वो आए थे, पर मैं आधे रास्ते से वापस आ गई, मैं जा नहीं सकी, बहुत गर्मी थी उस वक्त। उन्होंने बहुत, उनको दुख हुआ कि लता क्यों नहीं आई, मेरे भाई वहाँ पहुँचे थे। बस वो एक ये था। फिर उसके बाद जब मुझे अवार्ड मिला इनका राजीव गांधी, तो उस वक्त वो थे मेरे साथ, हम लोग साथ ही खाना खा रहे थे बैठ के, तो बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे साथ कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, अलग अलग के कैसे क्या आदत है, आपको क्या पसंद है, क्या खाती हैं, इस तरह की हम लोग बातें करते रहे। पर वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसा मेरा ख्याल है। मुझे उनकी ख़ास बात ये लगती है, पहली बात तो ये है कि वो अंदर से बहुत कड़क है, मतलब वो किसी बात से डरते नहीं, क्योंकि वो बड़े सच्चे आदमी हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिस जगह पे वो हैं, वो एक कवि हृदय इंसान है, उनका मन कवि का है, तो शायद राजनीति और कवि और संगीत ये मिलती हुई चीज़ें नहीं हैं, उनको बहुत सी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती होंगी जो शायद उनको अच्छी नहीं लगती होगी। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता है, और मैं उनके घर पे भी गई हूँ एक बार, पर वो बात करते वक्त हमेशा ये कहते थे कि हाँ ये ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता तो ठीक होता। मैं उनकी तरफ जो देखती रही हूँ, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब का गाना सुनते वक्त हमें खुशी होती थी, हम लोग कहीं भी हो वहाँ पहुँच जाते थे, वैसे जब कभी मालूम होता है कि अटल जी यहाँ बोलने वाले हैं, तो उनकी हिंदी, उनके विचार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो कहीं बोलते हैं तो मैं बिल्कुल वहाँ बैठ के सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से मैं देखती हूँ कि वो इस जगह के लिए योग्य हैं, उनके विचार आचार, पर कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि उनकी जो तबीयत है वो उनका साथ नहीं देती है, उनको तकलीफ़ होती है, और उस वक्त मुझे ज़रा थोड़ा अफसोस होता है कि ये जो चाहते हैं वो शायद कर नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी उनकी हिम्मत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि इतने हिम्मत वाले हैं वो, कि वो किसी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका उनको के साथ जैसे कोई आपको ऐसा याद आते हैं, कोई बात ऐसी जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें आपके लिए? ऐसी बात तो मुझे मैं खुद बहुत जाके मिलना वगैरह मैं करती नहीं हूँ, पर एक बार मैंने उनको बहुत तंग किया जब हमारे हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तो मैं उनको बार बार फ़ोन करती रही, और आखिर में उन्होंने मुझे डेट दी, और डेट देने के बाद कहा, जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझे कहा कि आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। पर वो आके बोले, उसका मुझे अभी तक मतलब वो बात याद है, उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल खोले ये बात मुझे कुछ जची नहीं, इनको चाहिए कि कुछ म्यूज़िक के लिए करें, कोई ऐसा स्कूल बनाएं या कुछ इस तरह का काम करें जिससे म्यूज़िक का प्रचार हो। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। पर दूसरी बात ये भी थी कि हॉस्पिटल तो हमने बनाना ही था, उसमें लोक सेवा है, इसलिए हमने वो किया था। उनकी एक बात
शायद मेरे साथ मिलती है और वो बड़े देशभक्त हैं और मैं भी बहुत बड़ी देशभक्त हूँ और देश के लिए कुछ भी करने के लिए मेरा मन हमेशा तैयार रहता है। कवि बहुत अच्छे हैं वो, पर उनकी कविता में मैंने जितने उनकी किताब पढ़ी है उसमें ज़्यादा ये नज़र आया कि कवि होते हैं वो अलग अलग तरह की कविता लिखते हैं, पर इनकी कविताओं में मुझे हमेशा एक बात ज़्यादा नज़र आई कि जैसे एक अकेला आदमी होता है जिसका कोई नहीं होता है, हालांकि दुनिया में हर आदमी अकेला है, मैं अकेली हूँ, आप अकेले हैं, पर मुझे उनमें वो ज़्यादा नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं जा के बहुत अकेले हैं। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी वो ज़रा ज़्यादा भावनावश हो जाते हैं, वो ना हो तो अच्छा है जो मुझे लगता है। देश का जो सिचुएशन है अभी, जिस तरह से वो सब पर हैंडल कर रहे हैं अपनी पार्टी को, देश को, उसके बारे में मेरे हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है, क्योंकि उनके हाथ में जब देश आया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालत अच्छी नहीं थी और भी बिगड़ती गई, पर उनको वो संभालते संभालते सब चीज़ें संभालना उनके लिए शायद कठिन हो रहा है, अब आज भी कठिन हो रहा है ऐसे मुझे लगता है। एक अच्छी चीज़ आपके हाथ में आती है तो उसको आप और भी अच्छा कर सकते हैं, पर एक बिगड़ी हुई चीज़ आपके हाथ में आ जाए तो उसको ठीक करने में जो इंसान का टाइम भी जाता है और वो चीज़ और भी गड़बड़ी हो जाती है, वो आजकल हो रहा है ऐसे मुझे लगता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को क्या कहना है, शुभकामनाएं? नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं से ज़्यादा भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे भी जिस तरह वो खड़े हैं ऐसे रहने की और अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत दें, ये मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ और भगवान उनको 100 साल की उम्र दे और वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। थैंक यू। मैं जब भी उनके लिए सोचती हूँ तब मुझे हमेशा महसूस होता है कि वो बहुत अकेले हैं, वो एक कवि हृदय इंसान हैं और ऐसे लगता है जैसे कविता में खोए हुए हैं, इस दुनिया के बाज़ार में वो नहीं हैं। तो मुझे अभी उनकी एक कविता मैं लिख के लाई हूँ, मैं आपको मतलब गा तो नहीं सकूँगी इस वक्त, पर मैं ऐसे ही बताती हूँ कि इससे पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं। शून्य में खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, शून्य में खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है, इसे लगता है कि वो वाकई एकाकी है और हम लोग भी हैं। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। इसमें सब आ जाता है, लगता है कि ये अटल जी के अपने भाव, अपनी जो भावनाएं हैं वो इसमें उन्होंने लिखी है। अटल जी एक तरफ अकेले हैं, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो उनके एक और कविता के एक छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिस की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं
ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटता हूँ गीत नया गाता हूँ। ये भी एक उनकी कल्पना है। मेरे बारे में वो क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं कहते, पर सुना है मैंने कि कई मर्तबा मुझे लोगों ने आके कहा कि अटल जी चाहते हैं कि मैं उनकी कविता रिकॉर्ड करूं, मेरा गाना उनको पसंद है, ये मैंने सुना है। पर मुश्किल ये हुई, उनकी किताब ला के मैंने जितनी कविताएं निकाली तो मुझे HMV ने और बाकी लोगों ने बताया कि जगजीत सिंह, अलका याग्निक, पद्मा जो है उसने, इन लोगों ने सब गाने जो मैंने निकाले थे वो रिकॉर्ड किए हैं। तो मैंने जाके खुद, जब मैं गई थी, भारत रत्न मिला मुझे, तब मैंने उनको कहा जाके कि आप मेरे लिए कुछ नई कविता लिख के दीजिए, तो वो हंस दिए, सिर्फ कुछ कहा नहीं उन्होंने।